नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं और एक्सेल की एक बहुत ही खास कह सकते हैं कि फ़ीचर के बारे में आपको बताते हैं। और दोस्तों, ये फ़ीचर क्या है? जब आप बहुत बड़े डेटा पर काम कर रहे होते हैं और जब आप कोई ऐसा अपलोड करते हैं जहां आपसे कहा जाता है कि डेटा शुड बी यूनिक, और यूनिक डेटा होगा तभी अपलोड होगा, ऐसे में आपको चेक करना हो कि आपके पास डेटा वैलिडेशन और हज़ारों में अगर संख्या है तो कोई वैल्यू उसमें जो है डुप्लीकेट तो नहीं है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आप नाम देख रहे हैं, ये जो जैसे नाम है, ये नाम कहीं और इस लिस्ट में तो नहीं है। जैसे ये दो नंबर पे आप देख रहे हैं, यही आपको यहाँ दसवें नंबर पे दिख जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, इसमें हमने रिपीटेशंस वाला ये एक पूरा लिस्ट बना लिया है। अब हम आपको बताएंगे कैसे आप इस लिस्ट को कवर करके सेलेक्ट करके पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं और कितनी यूनिक हैं, ये दोनों हम पता करेंगे। हमें करना क्या है दोस्तों, इस लिस्ट को सेलेक्ट करना है। आप भी जिस लिस्ट पे ये चेक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं। यहाँ जो पहला ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों नीचे सबसे नीचे आपको दिख रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज़। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए यहाँ जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसने लाइट रेड फिल कर दिया है विथ डार्क रेड टेक्स्ट के साथ। ये जो डार्क रेड टेक्स्ट कर दिए हैं, लाइट रेड फिल कर दिया है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई हैं। आप ओके करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये एक से ज़्यादा जगह पर पाई जा रही हैं, इसीलिए ये डुप्लीकेट हैं। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ को चेंज कर देंगे, मैं फादर की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से हटाऊँगा, अब देखिए ये वाइट हो गया है, क्योंकि इस स्पेलिंग जो ये जो नाम लिखा है इस सेल में, ऐसा इस पूरी लिस्ट में कहीं दूसरा नाम नहीं है। इस तरीके से ही जो आप देख रहे हैं, मैं एक और चेंज करके दिखा देता हूँ, सैम्स का मैं एस हटा लेता हूँ, देखिए अब ये भी वाइट हो गया है। तो दोस्तों, अब ये अभी भी जितने लाल आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पर डुप्लीकेट हैं इस लिस्ट में। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और आप जो आपको ये वाइट पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, ये आप देखना चाहते हैं कि इसमें से यूनिक क्या क्या है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर से चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ जाने के बाद आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जैसे ही जाएंगे, आपको यहाँ पर कर देना है दोस्तों यूनिक, और यूनिक करने के बाद आप यहाँ पर रंग बदल दें, क्योंकि अभी जो पहले हमने डुप्लीकेट किया था वो इससे था पोर्शन से। मैं ग्रीन फिल कर देता हूँ, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, और ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों, ये जो ग्रीन फिल आ गया है ये यहाँ पर यूनिक है, विच मीन्स कि अमित मदर, विवेक मदर, ये यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा होगा, घनश्याम फादर, ये भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, विवेक, अमित, सैम, ये भी कहीं पर रिपीट नहीं हो रहे हैं। जो रिपीट है दोस्तों, अब वो हमने यहाँ लाल से मेंशन कर दिए हैं, और जो रिपीट नहीं है, जो यूनिक है, वो यहाँ आपको हरे से दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे ज़्यादा मददगार होती है जब हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं। और एक्सेल कितने ऑप्शंस आपको देता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, कितनी मदद आपकी करता है, किस तरीके से टेबल बना सकता है, डायनामिक डैशबोर्ड बना सकता है, इन चीज़ों के ऊपर भी हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप भी इस वीडियो को देखकर अपने एक्सेल पर इसको यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।